नदी के किनारे हर रोज आना चाहिए। हाँ क्यों नहीं, यहाँ आकर बहुत मजा आता है। हाँ, और राजू के अंदर का कलाकार भी जाग जाता है। अरे राजू, हमें भी तो दिखा कि तुम इतनी देर से क्या बना रहे हो। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही वो वाह राजू, तुमने मेरी चोटियाँ तो बड़ी अच्छी बनाई हैं। और मेरी पूंछ इतनी लंबी है क्या है? मुझे तो तुमने एकदम सही बनाया है, पर तुम एक चीज भूल गए। तुमने मेरे हाथ में लड्डू नहीं बनाया। पर लड्डू तो चुटकी के पास है। पर अब तो वो मेरे पेट में है। कितना मजा आता अगर हम अपनी कहानी इसी तरह बना पाते। मजा तो बड़ा आता, पर अभी हमें घर चलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। ये कागज की आवाज कहाँ से आ रही है? देखो उस पत्थर के नीचे कोई किताब दबी हुई है। किताब के तो सारे पन्ने एकदम खाली हैं। हाँ? ये कोई मामूली किताब नहीं, जादुई नहीं, ये है हमारी करामाती कॉमिक और मैं इसे संभाल कर रखूंगी। ठीक है, पर घर जाते ही इसे मुझे दे देना। चारों ओर टुनटुन मौसी के हाथ के बने लड्डुओं की खुशबू फैली हुई है। तो बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ, सब साथ मिलकर लड्डू खाएंगे। मौसी, तुम्हारे लड्डुओं की खुशबू तो पूरे ढोलकपुर में फैली हुई है। अच्छा बाहर चलकर बैठो, मैं लड्डू लेकर आती हूँ। भीम, चुटकी, चकू, ये देखो। लड्डू, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। चलो हम कुछ लड्डू चुरा लेते हैं, आओ मेरे पीछे। क्या हुआ राजू? ये देखो भीम, ये तो सचमुच करामाती कॉमिक है। चलो बच्चों, सब लड्डू खाने आ जाओ। ऐसी करामाती कॉमिक तो सिर्फ मेरे पास होनी चाहिए। उस्ताद, आप क्या कर रहे हो? हमारा यहाँ कचुंबर बन रहा है। उस्ताद, हमें भी दो ना लड्डू। लड्डू छोड़ो, देखो मुझे क्या मिला। उस्ताद का दिमाग फिर गया लगता है। लड्डू की जगह आप किताब खाना चाहते हो? बेवकूफों, ये खाने की चीज नहीं है, एक करामाती कॉमिक है। करामाती कॉमिक, और इसमें अपने आप ही तस्वीरें बन जाती हैं। करामती कॉमिक होगी भीम और उसके साथियों के लिए, आपके लिए तो ये मुसीबत है उस्ताद। आप इससे जितना जल्दी पीछा छुड़ा सकते हो छुड़ाओ और भागो यहाँ से। तुम दोनों ने पहली बार कुछ समझदारी की बात की है।
मैं तो हिल भी नहीं सकता। मैं तो सांस भी नहीं ले सकता। मैं तो यही सो रहा हूँ। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। रात हो गई है, आज तुम सब यही सो जाओ। शुक्रिया मौसी। बड़ी प्यास लग रही है। वो रहा पानी का जग। किताब लगता है खिड़की से बाहर उड़ गई होगी। देख कर आता हूँ। लगता है कहीं हवा से और थोड़ा दूर तो नहीं उड़ गई। ये राजू कहाँ चला गया? और ये दरवाजा भी खुला है। जग्गू उठ। क्या हुआ भीम? राजू गायब है। चलो चुटकी को भी उठाते हैं और उसे ढूंढने चलते हैं। निशान घर के पीछे की तरफ जा रहे हैं। क्या हुआ जग्गू? अरे ये कॉमिक यहाँ क्या कर रही है? इस कॉमिक को कालिया ने यहाँ छुपाया था। राजू इसी की तलाश में जंगल में गया है और अब वो मुसीबत में है। तुमने मेरे दोस्त को पकड़ा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। करामाती कॉमिक के जरिए कालिया ने इसे चोरी करके छुपा दिया था। अब ये लो अपना कॉमिक। मेरी नहीं, हम सबकी कॉमिक।